إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى अम्मा बाद, स्टडी इस्लाम में आप सारे भाइयों का बहनों का इस्तकबाल है। हम उम्मीद रखते हैं हमारे प्रोग्राम से आप फ़ायदा उठाते होंगे और आपको ये प्रोग्राम पसंद आते होंगे तो दूसरों को भी शेयर करते होंगे। नेकी फैलाना भी एक सवाब का काम है ना। नेकी फैलाने के बहुत तरीक़े हैं। एक हिसाब दीनी बयान भी दूसरों तक उठा के पहुँचाना, ये भी नेकी का काम है। लेकिन दूसरों को पहुंचाते वक्त ये समझना चाहिए, सही बात होना चाहिए, मोहतबर बात वो उठाना चाहिए। आजकल तो ऐसा है व्हाट्सएप के अंदर जो भी मिला उठा के फॉरवर्ड कर दिए, जो भी मिला उठा के फॉरवर्ड कर दिए। गलत भी रहता है और सब बेकार भी रहता है और कई साल पहले की कोई चीज़ होते हैं वो आज का रंग दे के पेश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लिहाजा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर इसके अंदर आपको अच्छाइयाँ मालूम होती हैं, दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इन हमारे इस प्रोग्राम को दूसरों का साथ शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी समझिए आपको नेकी इंशाल्लाह मिलेगी। हमने ऐसी बातें बताई जो लोगों में पाई जाती हैं, देखने में आती हैं, लेकिन एक मुसलमान को ऐसे नहीं होना चाहिए, वो सब बातें उनके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वैसी बातों का जिक्र हम कर रहे थे। तकरीबन हमने 14 बातों का जिक्र आपसे किया। एक 15वीं बात यह भी है, कुछ मुसलमान हैं, मुसलमानों के मसले से उनको कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो अपने आप में गुम, उनको कुछ भी ख्याल नहीं। मुसलमान कौन सी तकलीफ़ें में, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी में, कुछ नहीं। 30-40 साल दुआ करेंगे, कभी दुनिया के लोगों के लिए मुसीबतें दूर होने के लिए, मुसलमानों को परेशानी से नजात, कभी दुआ नहीं करेंगे। अपने लिए बहुत दुआ करते रहेंगे, माल दे, औलाद दे, कारोबार दे, बरकत दे, घर दे, कार दे, हवाई जहाज दे, सब दुआ करेंगे। लेकिन मुसलमान कहाँ कहाँ कितनी परेशानियों में हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लें, जैसे सीरिया हो या एक ऐसा फलस्तीन हो, ऐसे कितने ममालिक हैं जहाँ कितने लोग परेशान हैं, आप उनके वास्ते दुआ किए, कुछ भी ख्याल नहीं, बस अपने आप में मगन। जो भी मांगेंगे अपने लिए मांगेंगे अल्लाह से, अपने भाइयों के लिए कभी नहीं मांगेंगे। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी अपने गायब भाई के लिए, कहीं उसका भाई है, समझिए लंदन में है, अमरीका में है, जर्मनी में है, या एक बम्बई में, दिल्ली में, कहीं भी है, उस भाई के लिए याद करके दुआ करता, अल्लाह मेरा जो मुसलमान भाई है उसे परेशानी से बचा, तकलीफ़ से बचा, और उसको जो जिस मकसद के लिए गया उसमें कामयाब कर। आप जितनी दुआ करते फरिश्ता क्या बोलता, वला का भी मिथिल, तुझे भी अल्लाह ताला वो सब दिया। करे अपने भाई के वास्ते दुआ, उसकी दुआ से हमारी ज़िंदगी में वो सब असरात हो गए। इस तरह मुसलमानों के मुतालिक हमको हमेशा सोचना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मुसलमान के ताल्लुक से सोचते कि फ़लाँ लड़ाई है, ये है, झगड़ा है, तो जाके मोहल्ले में बाकायदा बैठ के बुलाते, समझाते, सुलह सफाई करते, अगरचे कि आपकी एक नमाज भी छूट गई उसी सूरत में, वो नमाज जो है जोहर की नमाज थी, जमात का वक्त ख़त्म हुआ तो आप वहीं नमाज भी पढ़ाए। ऐसे कुछ भी मालूम हो, मालूम हुआ कि फ़लाँ गली में दो मुसलमान लड़ रहे हैं, जाके उनको समझा दिया, बता दिया, सुलह सफाई कर दिए, दो आदमी में झगड़ा है, सुलह सफाई कर दिए, यानी दूसरों के लिए जीना। बास लोग ऐसे सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि आदमी दूसरों के लिए भी जिए, अपने लिए भी जिए। तो इसलिए बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको कुछ भी उसका ख्याल नहीं रहता है। आप जाकर उनसे चंदा उंदा भी मांगे, भाई मदरसा है, फलना है, ये है, एक पैसा नहीं दे, जाओ जाओ, बहुत बातें हैं, किसके किसको देते रहें, कभी देते ही नहीं, किसको किसको देते रहें, बहुत सारे लोगों को देकर हो गया, आप कल आते तो अच्छा था, फुलाते तो
हीले बाने भी करता है, तो इनको मुसलमानों से क्या भी दिलचस्पी नहीं। अब एक मदरसा बनाना है, दीन का इल्म होना, गए चंदा लेने के लिए देते नहीं। मोहल्ले की मस्जिद बनाना है तो उसके लिए भी कोई ख्याल नहीं। अरे मस्जिद बना के क्या करेंगे, वो एक मस्जिद है वहाँ जाकर नमाज पढ़े तो बस, थोड़ी दूर है उतना चलकर जाना है, चलकर आना, उसे जा क्या है, हमारे मोहल्ले में मस्जिद बनाने क्या ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर मोहल्ले में मस्जिद बनाओ ताकि लोग सुस्ती के बगैर आके नमाज पढ़ के जमात का सवाब हासिल करें। मगर ये आदमी कुछ भी नहीं, कोई भी नेकी का काम हो उसको अपनी फिक्र होती सिवाय दूसरों की फिक्र ज़रा भी नहीं होती है, ऐसा भी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हदीस जिक्र की जाती है, मल्लम यहतम बि अम्रिल मुस्लिमीना फलैसा मिनहुम, जो आदमी के मुसलमानों के मामलात को अहमियत नहीं देता, इसको नेगलेक्ट करता, ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए हम देखते हैं कि सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ भी उनको आज दुनिया की बात हो तो बहुत आगे बढ़ेंगे, मगर ये सब जो मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए ज़रा भी उनके दिल में वो जज्बा नहीं रहता है। हाँ, अगर कभी उनको मालूम हो कि साहब लीडर बनेंगे और साहब पार्टी में उनको कुछ भी मिलेगा तब करेंगे, दीन के वास्ते नहीं करेंगे, अल्लाह के वास्ते नहीं करेंगे। इसलिए भी हमको ख्याल करना चाहिए। और भी हम देखते हैं कि दो आदमी मिलजुल कर रहते हैं, बहुत जल्दी उन लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हो जाते। एक ये 16वीं बात समझिए, यानी दोनों आपस में दोस्त हैं, भाई भाई की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अचानक वो जंजीर टूट जाती है, ये बहुत बुरी बात है। जो आदमी के अपने भाई से क़त ताल्लुक़ कर लेता है वो जो है मुसलमान नहीं हो सकता। मामूली बात हो सकती है, कोई भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये आदमी ऐसा है कि साहब ज़रा कुछ भी हुआ अपने भाई से लड़ झगड़ के उसे अलग हो गया। मोहब्बत बड़ी देर से पैदा होती है, अच्छे ताल्लुकात बहुत मुश्किल से पैदा होते। आप एक आदमी को दोस्त बनाते हैं तो पहले दिन ही दोस्त नहीं बन जाता, वो कितने दिन रहने के बाद आप उनको आजमाए, वो आपको आजमाया, आप उनकी मुश्किल में कभी काम दिए, आपकी मुश्किल में काम दिया, उसने कभी अच्छी बात आपको बताई, आपने उसको, ऐसा करते करते कितने दिन के बाद, कितने हफ्ते के बाद, कितने महीने के बाद ताल्लुक़ मोहब्बत पैदा होती। लेकिन दुश्मनी के लिए बस ये एक जुमला, आज से बात मत कर, आज से मेरे पास मत आ, आज से तेरे मेरे ताल्लुकात ख़त्म हो गए। ये रिश्तेदारों के अलावा दूसरे जो भाई होते हैं उनके साथ भी ताल्लुकात ऐसे बिगड़ जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है, ये ईमान के ख़िलाफ़ है। भाई कोई आदमी आपको गलती किया तो उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, भाई ये आप कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, आइंदा से ऐसे मत कीजिए, बहुत अच्छा है ना, वो भी समझ जाएंगे, साहब ठीक है ठीक है, आपको तकलीफ़ पहुँची माफ़ी चाहता हूँ, मोहब्बत बरकरार रहेगी। ऐसा ना करके कुछ भी ज़रा सी तकलीफ़ आपको पहुँची या कुछ भी नुकसान पहुँचा या आप जैसा चाहते वैसा नहीं हुआ, फौरन कह दें साहब आइंदा से मेरे पास मत आओ, मेरे घर को मत आओ, मुझसे बात मत करो, मुझसे कर्ज मत मांगो। कितनी चीज़ें होती हैं ऐसा ऐसा। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे भी समझे ना, दो आदमी दोस्त हैं, एक आदमी ने आपसे कर्ज मांगा, भाई देखिए कर्ज दीजिए 500 रुपये, मैं एक महीने के अंदर दे देता हूँ। आपने 500 रुपया दिया, दोस्त था ना, मोहब्बत थी आपको, लेकिन एक महीने में दिया नहीं, उसके बाद डेढ़ महीने में दिया नहीं, दो महीने में दिया नहीं, अब उसके बाद लाके दिया, आप बोल दिए आइंदा से मेरे घर को नहीं आना कर्ज लेने के लिए, वादा करके तुम एक महीने के बाद लाकर नहीं दिए, भाई उसको सहूलत नहीं, लाके नहीं दिया। आप उससे भी कहते चलो कर्ज दिया एक महीने का, एक महीने का सवाब मिला, वो एक महीना लेट से दिया, दो महीने का सवाब मिला कर्ज देने के लिए, ऐसा अगर सोच लिए तो ये मोहब्बत बाकी रहेगी। तो लिहाजा हमारे आपस के ताल्लुकात को जल्दी ख़त्म नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि साहब हमको दोस्ती बाकी रहना है, ताल्लुकात कायम रहना है, जल्दी से रूठ नहीं जाना चाहिए। उसको बोलते हैं झट खफा, बोलते हैं औरतों में ज़रा कुछ हुआ तो खफा, ज़रा कुछ हुआ तो रंजीदा हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए।
सत्रहवीं बात यह है कि साहब अपनी जिम्मेदारी समझना। शरीयत ने हमको बहुत सारी जिम्मेदारी दी है, उसको नहीं समझेंगे तो फिर ईमान कहाँ रहेगा। ये भी आजकल हम लोग बहुत देखते हैं, कुछ भी नहीं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। जैसे नेकी के बाद बताना, नहीं उनको कुछ भी ताल्लुक नहीं, पूछेंगे क्या भाई कोई नेकी का, नहीं नहीं जुमे के बयान में सब सुन लेते हैं, किताब लेकर पढ़ लेना, मैं क्या बोलना उनको, ऐसा भी बाज़ लोग रहते। ये गलत बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहिब सहाबी आए, तुफैल बिन आम्र दौसी, मक्के को आए। आने के बाद काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने कहा यहाँ एक जादूगर है, वो उसकी बात ऐसी है कि जो भी उसकी बात सुनता है वो जो है पागल हो जाता है और रिश्तेदारों से रिश्ता काट लेता है, बहुत डरा है उसको, बहुत धमका है। अब बोले कि साहब देखो वो आदमी इधर उधर नज़र आए तो उसकी बात नहीं सुनना। तुफैल बिन आम्र दौसी कहते हैं मैं उनकी बात से बचने के लिए कान में रुई ठोंस लेता था, यानी अल्लाह के रसूल की बात। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, इत्तिफाक से तुफैल बिन आम्र दौसी भी वहाँ आए। उन्होंने कहा मैं एक अकलमंद आदमी हूँ, समझदार आदमी, बच्चा तो नहीं हूँ, लोगों की बात सुन के मैं क्यों ऐसा करना, लिहाजा कान से रोई निकाल के सुने। सुनते ही उनको बहुत पसंद आया, अल्लाह के रसूल ने नमाज पूरी की, इस्लाम कबूल किए, और जाके इस्लाम कबूल करने के बाद बोले अल्लाह के रसूल अब मैं जाता हूँ, हमारी पूरी बस्ती में मैं ही सरदार हूँ, जाकर सबको ऐलान करता हूँ, आप मेरे वास्ते दुआ कीजिए। अब देखिए वो फौरन गए जाके अपनी बस्ती में ऐलान कर दिए कि मैं मुसलमान हो गया, तुमको भी ये कलिमा पढ़ के मुसलमान होना चाहिए, बस्ती मुसलमान हो गई। उनको अपनी रिस्पांसिबिलिटी का कितना ख्याल था कि मैं एक बड़ा आदमी हूँ, कबीले का सरदार हूँ, मुझे लोगों में नेकी पहुँचानी है, नेकी बतानी है, वरना वो भी कहते सिर्फ इस्लाम कबूल करते और अपनी कौम में जाकर नहीं बताते तो उनकी कौम के लोग मुसलमान नहीं होते, वैसे ही रह जाता था। अब एक मसला ऐसा हुआ। दूसरा एक और मसला भी हम देखते हैं, एक आदमी थे सुमामा बिन असल, ये क्या करते थे, मुसलमानों को तकलीफ़ देते थे, फलां करते थे। ये उमरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए निकल के बस्ती से आए, अल्लाह के रसूल को मालूम आते ये जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उनको पकड़ो जी, पकड़ के लाए और एक खम्भे में बांध दिया उनको मस्जिद में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पूछते सुमामा क्या ख्याल है तुम्हारा। कहते कि भाई अगर आप मुझे माफ़ करते हैं तो बहुत बड़े आदमी हैं आप, और अगर मुझे सज़ा देते हैं तो मैं भी आपके सहाबा को सब सज़ा दिया हूँ, मैं उसका सज़ावार हूँ। इसी तरह दो दिन बोले वो। तीसरे दिन भी अल्लाह के रसूल पूछे, उनको खोलते थे, जाते थे, खाते थे, आते थे, फिर भी उनको बांध देते थे। तीसरे दिन भी यही सवाल किए तो अल्लाह के रसूल ने कहा भाई इनको खोल के छोड़ो, इनको खोल के छोड़ दो। खोल के छोड़ना था, फौरन गए, नहाए, आके अल्लाह के रसूल से कहा अल्लाह के रसूल मुझे कलिमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनको कलिमा पढ़ाया। उम्रे के सफ़र पर निकले थे ना, आप सीधा मक्के को गए, जाकर वहाँ ऐलान किए मक्के वालों सुन लो, हमारी बस्ती से तुमको जो गेहूँ आता था मक्के वालों को, एक दाना आइंदा नहीं आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दिए तो मैं भेजूँगा, वरना हमारी बस्ती से कोई भी तुमको ग्रेन गल्ला नहीं आएगा। ऐसा बोले। देखिए उनको कितनी ये थी, नेकी फैलाने की ख्वाहिश और बुराई मिटाने की ख्वाहिश दिलों के अंदर होना चाहिए। आजकल हम लोग ये बहुत कम देखते हैं, लोगों के अंदर ये जज्बा नहीं है। छोटी छोटी सुन्नतें हैं उनको सब फैलाना चाहिए, बताना चाहिए कि साहब ये सुन्नत है, वो सुन्नत है। कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, तुम्हें हर एक आदमी जिम्मेदार बनाया गया है, उसको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करके वो जिम्मेदारी को पूरी करे। क़यामत के दिन सवाल होगा ना, अल्लाह पूछेगा मैंने तुमको ज़बान भी दी, हाथ भी दिया, आँख भी दिया, क्या क्या तुम फ़र्ज अदा करें, क्या क्या जिम्मेदारी दीन की पूरी करें। तो क़यामत में सवाल होगा ना, तो लिहाजा हमको चाहिए कि इस सवाल से
इसी दुनिया के अंदर हम लोग जो है आज़ाद हो जाएं और नेकी के काम करें, लोगों को नेकी के बात पहुंचाते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा हमको अजर सवाब मिलेगा। इन सारी बातों का हमको ख्याल करना चाहिए, अगर ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ अजर सवाब हमको मिलेगा। अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ताला हम सबको इन सारी बातों के जो ईमान के मुनाफी हैं, ईमान की कमज़ोरी पर दलालत करते हैं, ऐसी सारी बातों से बचा अल्लाह ताला, नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी करने की तौफीक दें। जितने नेकी के काम हम रमज़ान में करने की आदत डाले हैं, अल्लाह ताला साल भर इन नेकी के कामों करने की हमको तौफीक दें, हर बुराई से बचाए। अल्लाह ताला हमारी नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसीबतों को परेशानियों को दूर करके अमन सुकून नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।